हर साल की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्र के खास मौके पर दुर्गा पूजा समिति बिलासपुर द्वारा आस्था के प्रतीक दोलरा मंदिर में माता के भजनों के साथ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं आस्था के इस पर्व पर चेतना संस्था के विशेष बच्चों ने भी भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अक्टूबर को अपने परिवार सहित दोलरा मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे, तो साथ ही 8 अक्टूबर को दोलरा मंदिर से चलने वाली शोभा यात्रा में शरीक होकर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में भाग लेंगे। हर साल की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्रे के खास मौके पर दुर्गा पूजा समिति बिलासपुर के द्वारा आस्था के प्रतीक दोलरा मंदिर में माता के भजनों के साथ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं आस्था के इस पर्व पर चेतना संस्था के विशेष बच्चों ने भी भाग लिया और मां दुर्गा के भजन गाकर मां के चरणों में शीश नवाजा। आपको बता दें कि दोलरा मंदिर में चल रहे शारदीय नवरात्रे पर्व पर भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे देखने के लिए जिला बिलासपुर से आए श्रद्धालु यहां पहुंचे, तो साथ ही मां के भजनों पर भी जमकर थिरके। वहीं दुर्गा पूजा समिति द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नो प्लास्टिक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को साकार करने के लिए कई कदम उठाए गए। इस बात की जानकारी देते हुए दुर्गा पूजा समिति की संयोजक एवं चेतना संस्था की जनरल सेक्रेटरी मल्लिका नड्डा ने बताया कि देश प्रदेश को प्लास्टिक से मुक्त करने के मकसद से इस नवरात्रि समिति द्वारा भंडारे के दौरान डिस्पोजल प्लेटों की बजाय हरे पत्तलों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही रविवार को दुर्गा अष्टमी पूजा के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए गरीब बस्तियों में रहने वाली कन्याओं का पूजन कर मां का आशीर्वाद भी लिया गया। शारदीय नवरात्रे का ये 18वां वर्ष है। दुर्गा पूजा समिति द्वारा धौलरे के प्रांगण में नव दुर्गा की स्थापना करके इस आयोजन को करते हुए 18 वर्ष हो गए हैं। चेतना संस्था के विशेष बच्चों के साथ हमारे प्रांगण में बैठी सभी माताओं बहनों के साथ दुर्गा उत्सव में सम्मिलित होकर सबने माता रानी की पूजा अर्चना की और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी दुर्गा उत्सव हमारे शहर में प्रतिवर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनता रहे। दुर्गा उत्सव में स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने का और इसके जो मैसेज है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, इसको एक फैलाने का विशेष आग्रह किया है। नो प्लास्टिक प्लास्टिक बैन के तहत हमने हरे पत्तलों का इस्तेमाल यहाँ किया है, जिससे कि हम अपने पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में पहल कर सके। और अष्टमी की जो पूजा होती है कन्याओं की, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ की तहत हमने इस बार तय किया है कि हमारे यहाँ जितने जो बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं जो SC ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन परिवारों से बेटियों का हम पूजन करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उन बच्चों को इस प्रांगण में लाएंगे।